क्यूट से दिखने वाले मड गोलम से लेकर बड़े से दिखने वाले पंछी तक या फिर कह लो ये खतरनाक वेपन्स, अगर ये कुछ माइनक्राफ्ट में मोजैंग ऐड कर देते तो माइनक्राफ्ट कैसे दिखेगी, आइए देखते हैं इस वाली वीडियो में। मतलब भाई कितने दिन यार ये बड़े से गोलम को साथ साथ में लेकर घूमते रहोगे भाई, ये काफी ज्यादा अनोइंग होते हैं। पावरफुल तो मान तो होते हैं लेकिन इतना बड़ा इनका साइज होता है कि भाई इनको ले जाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारे पास है कुछ ऐसे कॉम्पैक्ट साइज के गोलम जो कि भाई आपकी हेल्प भी करेंगे और काफी ज्यादा काम के भी हैं। तो गाइस उसमें से हमारा ये बैड ग्रास वाला गोलम जो कि भाई आपकी फसल को एकदम से खत्म करके रख देगा, और वहीं अगर आप इनको मारते कुछ ऐसे करके तो भाई ये कुछ लीव ड्रॉप करते हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा करके भाई एक पिकेक्स भी बना सकते हैं जो कि आप देख पा रहे हो काफी ज्यादा अच्छी वाली, यानी आप अगर आप लकड़ी की बनाने जाते हो तो काफी ज्यादा जो है कमजोर होते हैं लेकिन इसके प्रति भाई ये काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इससे अगर आप कोई भी स्टोन तोड़ना चाहते कुछ ऐसे करके उसके मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से तोड़ देती है। ऐसे करके आप इसका कोई भी सामान बना सकते हो जो कि भाई आपको सिंपली देखने को मिलता है। ये पीछे मेरे को मारने भी आ चुका है देख लीजिए, और भाई अपने जो असली वाला गोलम है वो भी इनको बहुत पछाड़ते हैं। आइए इसको लेकर चलते हैं अपने सिर वाले गोलम के पास, और ये रहा गोलम भाई, देखना गोलम इनको मारता बहुत गंदे तरीके से है। एक दो और तीन, ये तो थे हमारे बैड गोलम। अब आते कुछ अच्छे गोलम की तरफ। सो हमारे अच्छे गोलम कुछ ऐसे दिखते हैं, देख पा रहे हो काफी ज्यादा सीड से रिलेटेड इनके ऊपर लगा होता है, और अगर मान लीजिए इनके पास कोई भी क्रीपर कुछ ऐसे करके आ जाते सिंपली जमीन से निकाल कर गोले मारने लग पड़ते हैं, वो जो सीधा जाके क्रीपर को लगते हैं और क्रीपर आपके घर के आसपास नहीं आए, आप इनको वहां यूज कर सकते हो जहां आपको भाई बिल्कुल भी क्रीपर की जरूरत नहीं है। देख पा रहे हो ऐसे हमारे गोलम को इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि भाई ये हमारे गुड गोलम। चलो इसको हटाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने 20 कितने प्रकार की देखी, तो आपका जवाब आएगा भाई 20 तो एक ही प्रकार की होते हैं, लेकिन भाई अब मैं ऐसा नहीं रहने दूंगा, हम सिंपली करने 20 के काफी ज्यादा वेरिएंट निकालने वाले, सिंपली इनको स्पॉन करेंगे तो भाई ये अलग अलग वेरिएंट के निकलने आ पड़ेंगी जो कि भाई माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा चार चांद लगाने वाली है। लेकिन भाई हमारी ये ओल्ड वाली 20 से काफी ज्यादा एनहेंस है, मान लीजिए अगर मैं इसको मारना चाहता हूं कुछ ऐसे करके देखना दो हिट में एकदम से मर जाएगी। अगर गाइस आप इनको मारते हो तो भाई ये हमें जो है अपना डंक भी देकर जाते जो कि हमें अगर ये मार देती तो हम काफी ज्यादा डैमेज पड़ती थी भाई, ये तो होगी हमारी छोटी भी। लेकिन भाई यही सफर नहीं खत्म होता है, हमारे पास एक और विशाल भी है, और लीजिए गाइस यार हमारी बड़ी वाली भी आपको देखने में कुछ ऐसी लगेगी भाई, लेकिन भाई देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगेगी, लेकिन यही खत्म नहीं होती, ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगेगी एज अ बी क्वीन सिपाही, क्योंकि भाई हमारे पास इससे बड़ी वाली बी भी है जो कि भाई देखने में कुछ ऐसी लगती है, देख पा रहे काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, एकदम से बैठी हुई है हिलेगी नहीं, 20 मिनट नीचे लिखा आ रहा था कि भाई ये हिलेगी नहीं, देख पा रहे हो इसकी छोटी बी अगर मैं इसे साइड में लगा देता हूँ कुछ ऐसे करके, और देख पा रहे हो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक वाला नजारा आ चुका है। पहले हमारे माइनक्राफ्ट में 3 ही बॉस मॉब होते थे, वार्डन, विदर या फिर एंडर ड्रैगन, लेकिन अगर ये ऐड हो जाती है और ये उठकर चलने लग पड़ती है तो भाई हमारी माइनक्राफ्ट में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि भाई जितनी भाई देखने में शांत लग रही है उतनी भाई इसकी आंखें देख पा रहे हो गुस्से वाली भी है। तो ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दो वाले फ्लावर्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे भाई कुछ नहीं कॉमन क्या ही होगा इनमें से, लेकिन इधर आप गलत हो जाते हो। चलो एक बार फिर से पूछता हूं आपको इन दोनों डॉट में से कुछ दिख रहा है कि भाई एक लगे या फिर एक छोटी या बड़ी है, नहीं ना भाई एकदम ही सेम है। तो आप लोग पूछोगे भाई इसमें डिफरेंस क्या है, तो आइए बताता हूँ क्या डिफरेंस है। सिंपली भाई ये जो आपको दिख रहे हैं फ्लावर भाई एकदम से कुछ भी डर्ट डूट नहीं है, इसको अगर मैं मारता हूँ तो देख पा रहे हो भाई हमारे मोब है जो कि भाई उठ के चलने लग पड़ते हैं। अगर मैं जादू सर्वाइव में अब इनको मारता हूं, ये भी जो देखने को आपको लग रहा होगा भाई सिंपल से दिखने वाली डर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको मारूंगा ये भी मेरे को मारेगी सिंपल, देख पा रहे हो गाइस ये मेरे ऊपर हमला भी करने लग पड़े हैं क्योंकि भाई मैंने इनकी नींद आराम करी तो ये मेरे से बदला ले रहे हैं। ऐसे करके गाइस आप इनके ऊपर रखा हुआ ये जो देख पा रहे हो फ्लावर इसको भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली ऐसे कुछ दबाना है, और आप पूछो कि भाई ये इतना हेल्पफुल कैसे है, आइए बताता हूँ कैसे। सिंपली ये भी क्या करता है भाई, इसका सिंपली यही काम है, अगर इसकी कोई नींद आराम करता है तो भाई इसको पीटने लग पड़ता है, वैसे इसका कोई काम नहीं है लेकिन भाई ये ऐसे पड़ा हुआ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ये क्रिएटिव इतना है भाई ये भागने लग पड़ता है, कितना ज्यादा फनी लगता है भाई। भाई इसका फेस अगर आप आगे से देखोगे तो आपको देखने में कुछ ऐसा लगेगा लंबा सा नाग है भाई इसका, देख सकते हो। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये माइनक्राफ्ट की दुनिया में काफी ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट में कुछ टेमेबल मॉब जो कि भाई आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उनमें से एक है हमारा एक उड़ने वाला पंछी जिसका नाम तो मैं अर्जेंट टाविस, भाई काफी ज्यादा देखने में सुंदर लगता है और भाई इसके ऊपर बैठकर आप उड़ भी सकते। सिंपली इसको लेने के लिए आपको करना, आपको सिंपली एक एग गाता कुछ ऐसे करके इसको भाई हैच करना पड़ेगा प्रॉपर, उसके बाद ही ये निकल कर आएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा खिलाए और उसके ऊपर सेट लगाकर कुछ जंप मारने कुछ ऐसे करके और ये आपको उड़ता ही लेकर जाएगा। इसको भाई आप एकदम से इलेक्ट्रा की तरह यूज कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर से उतर जाइए और ये आपको फॉलो अप करता रहेगा पीछे पीछे। उसके बाद अगर आपको कोई मान लीजिए पंगा हो जाता है, इसको जैसे एक हिट देता हूँ और ये भाई भग पड़ेगा उसको मारने के लिए। ऐसे अगर मेरा गोलम के साथ मान लीजिए कोई पंगा हो जाता है, मैंने मार दिया भाई इसको और ये भी मारना शुरू कर देगा भाई, डैमेज भी।
भाई सिर मेरा जन टाविस मार दिया भाई, सॉरी भाई गोलम से कोई पंगा नहीं लेगा, सॉरी यार भाई। ऐसे आपको ये गुरीला भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई अगर आप बनाना फेंकते जाओगे तो आपके पीछे पीछे कुछ ऐसा आता जाएगा। भाई ये गुरीला भी कुछ ऐसा काम करता है, देखिए मैंने बनाना फेंका और भाई ये खाने के लिए आ चुका है और ये पांडा की तरह कुछ ऐसे खाने लग पड़ता है। भाई मोजैंग को भाई इसको भी ऐड करना चाहिए था, भाई देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जू टाइप बिल्कुल एकदम से बन जाता हमारी माइनक्राफ्ट के अंदर। भाई हम बात कर रहे थे टेमेबल की, भाई टेमेबल में अगर मंकी ना है तो भाई कैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। तो आइए करते हैं इसको भी ऐड, सिंपली इसको स्पॉन करना है, उसके बाद भाई इसको बनाना खिला दीजिए। भाई इन चिंपैंजीज को काफी ज्यादा मुश्किल है टेम करना, क्योंकि भाई खाने के बाद ही हमारी बात नहीं मानते। देख पा रहे हो मैं इनको खिला रहा हूँ, भाई फिर भी अगर मैं आऊंगा ना इसके आगे जाऊंगा और ये भाई मेरे पीछे नहीं आने वाले, देख पा रहे हो मेरे पीछे नहीं आ रहे, इनको काफी ज्यादा खिलाना पड़ता है। अगर गाइस आपने इनमें से एक चिंपैंजी को भी ऐड कर लिया तो भाई आपकी गैंग काफी ज्यादा सुंदर लगने वाली, देख पा रहे हो कैसे भाई ये मेरे पीछे पीछे आता जाएगा। अगर गाइस मान लीजिए हमारा कोई पंगा हो जाता है विलेजर्स के कि भाई ये रेट काफी ज्यादा लगा रहे, तो इनको मारूंगा ना, जैसे कि मैंने भाई इसको मारा और मारा मंकी जाएगा, देखना भाई हमारा मंकी जा रहा है और इसको भाई पीट कर आएगा। देखो भाई कैसे भाई जमीन में से पत्थर निकालता है, भाई देखना वो देखो पत्थर निकालता और फेंकता है भाई जमीन में से, लिटरली ऊपर जाएगा पत्थर और नीचे पूरा मारकर ही छोड़ेगा बंदे को। भाई इसको गुरीला से पिटा कर देखते हैं, भाई क्या गुरीला को मारेगा ये, और ये मैंने मारा और भाई गुरीला भी कम नहीं है भाई, भाई भाई चिंपैंजी को मार दिया भाई गुरीला ने, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन हमारा चिंपैंजी भी कुछ ज्यादा कम नहीं था भाई, इसको पूरा मजा चखाकर ही गया है वो। ये तो बात होगी चलो हमारे मॉब्स की, अब बात है कुछ आइटम्स की तरफ। जैसे गाइस ये है हमारे कुछ कूल से वेपन जो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो आइए एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले आपको देखने को मिलती है ये कैनन, इसको ले लेते हैं हाथ में। इससे अगर आप किसी को भी मारो कुछ ऐसे करके तो ऐसी कुछ आवाज आती है, मतलब धमाका तो होता नहीं है लेकिन भाई आवाज ऐसी आती है, लेकिन चलती वो है गाइस, एक से मर जाना चाहिए लेकिन कोई भी नहीं मरता है, ये है इसकी पावर भाई। अगर दूसरी तरफ बात करें तो हमारे पास आती है ये स्पेयर, स्पेयर को अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसे करके मार देता हूँ, जैसे कि ये फेंकी दूर और लगी नहीं किसी को, ओके ये बंदर पे मारते हैं, मेरा देखने निशाना देखना, और लगा भाई बंदर के, बंदर को इंस्टेंट भाई डैमेज होता रहेगा, जैसे कि पॉइजन होता है ना भाई वैसी डैमेज इसको देखने की होती रहेगी, और देख पा रही मर भी चुका है, इसको दूँ भाई ये बी है भाई वो वाली खतरनाक वाली बी मोब, इसको देते हैं भाई, देखने इसको डैमेज होगा क्योंकि भाई इसको पॉइजन लग चुका है। ऐसे किसी को भी मार के भाई पॉइजन लगा सकते हो विद दिस स्पीयर। उसी के बाद गाइस दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास ये उड़ने वाली चेस्ट प्लेट, जो कि गाइस हमें काफी ज्यादा ऊपर उड़ा सकते हैं, लेकिन भाई इसका भी डाउनफॉल एक टाइम पर आ जाता है, देख पा रहे हो कितनी जल्दी नीचे नीचे गिरती जा रही है, क्योंकि भाई ये सिर्फ आपको फोल्ड डैमेज से बचाने के लिए, ना कि भाई ये सुपरमैन की तरह उड़ने के लिए। भाई अगर आप इसको पहली बार पहनोगे तो भाई वो भी यही कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो भाई। सो मैंने आपको इन लीव्स वाले हथियार के बारे में तो बताया था, ये सारे सिंपल है, लेकिन भाई आपको मानना पड़ेगा इनमें से एक ऐसा हथियार भी बिलोंग करता है जो कि भाई माइनक्राफ्ट में अभी तक नहीं आया गाइस, वो हमारी ये लीफ हुक। इसको अगर आप कहीं भी फेंक दो, चलो मान लीजिए मेरे को इधर ऊपर जाना है ना, मैं सिंपली इसके ऊपर ऐसे कुछ दबाऊंगा और भाई मेरे को ब्लॉक के ऊपर ही एग्जैक्ट ले जाता है, काफी ज्यादा दूर जाना है उधर जाना है, वो ये दबाया भाई इसकी रेंज इतनी ज्यादा है भाई, जिधर मर्जी जंप मारनी है बस और ये पहुंचा देगा इजी। आप कहोगे भाई ये तो काफी ज्यादा सिंपल हो गया ना, भाई सिंपल तो नहीं मतलब मजेदार तो है, लेकिन भाई काफी ज्यादा सिंपल भी है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। लेकिन भाई हमारे पास आ चुकी है अपनी फ्लिंट वाली पिकेक्स, या फिर कह सकते हो एक हमारे पास स्वॉर्ड भी है, इसके साथ अगर मैं किसी को भी मारता हूँ तो भाई एग्जैक्ट भाई उसको फ्लेम वाली आग तो लगेगी, देख पा रहे हो अगर मैं किसी को मारता हूँ उसके साथ तो भाई उसको आग लग जाती, जो कि एग्जैक्ट भाई हमारी जो फ्लिंट करती है। लेकिन जो एंड में दो वेपन बचे हुए हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ। सो गाइस इसमें सबसे पहले आता हमारा ये टंग वाला, भाई ये भी ऐसे कुछ हुक जैसा है, इसको किसी के ऊपर ऐसे कुछ फेंकोगे दूर एम कर लीजिए और उसको कुछ ऐसे ऊपर फेंक दीजिए, जितनी दूर जाएगा ना भाई आप भी उतनी दूर जा सकते हो, सिंपली गाइस पीछे वाला जो है इसको तोड़ दीजिए, ऐसे करके तोड़ देता हूँ और जंप मारे और भाई आपको उड़ते हुए लेकर चला जाएगा। मान लीजिए गाइस मैं जाने वाला हूँ अब सर्वाइवल में, इसको फेंकता हूँ इसके ऊपर और ये फेंक दिया भाई ऊपर ही लेकर जाएगा मेरे को, डैमेज भी भाई बिल्कुल जीरो ही पड़ती है। चलो गाइस ये तो हो गई हुक, लेकिन 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 एक और बचा हुआ है जो कि भाई काफी ज्यादा एपिक है, वो तो भाई मेरे को मोजैंग से बिल्कुल भी ज्यादा उम्मीद नहीं कि वो इस गेम में आ भी सकता है, जो कि हमारे भाई पोर्टल वाली पिकैक्स, देखने में काफी ज्यादा कूल और सिंपल लगती है लेकिन इसके काम काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके भाई हवा में दीवार तोड़ता रहता है, जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो भाई हवा में मैं कुछ तोड़ रहा हूँ लोग जैसा, और भाई एक पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा, इसके अंदर जाइए कुछ ऐसे करके
और एग्जैक्ट भाई मैं किसी और वाले विलेज में आ चुका हूँ, उसके बाद अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ कुछ ऐसे करके इसके थ्रू मैं वापस भी जा सकता हूँ, देख पा रहे मैं वही वापस आ चुका हूँ। लेकिन अब मेरे को एक और पोर्टल बनाना है तो आपको फिर से इधर से तोड़ना शुरू करना पड़ेगा, आप एक और दुनिया में जा सकते हो। तो गाइस इनमें से आपको कौन सा वाला मोब या फिर हथियार सबसे अच्छा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।